Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to start my lecture on diabetes mellitus. After watching this video, you will be able to understand what is diabetes mellitus, how insulin works, clinical features of diabetes mellitus, types of diabetes mellitus, medical and nursing management of diabetes mellitus, and complications of diabetes mellitus. Before going forward, I am Jameer Rahman and you are watching my YouTube channel JR Edutainment. Diabetes mellitus kya hai? Diabetes mellitus ek aisa disorder hai jisme body ya to insulin produce nahi kar pata ya insulin ke liye body resistance show karta hai. इंसुलिन इस काबिल नहीं रहते कि वो सेल्स के ग्लूकोज के चैनल को ओपन कर सके, क्योंकि सेल्स डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं। एक और डिफिनेशन करते हैं, इट इज़ एन एंडोक्राइनल डिसऑर्डर आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आर डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यू। इसको एंडोक्राइनल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें इंसुलिन के प्रोडक्शन या कम हो जाता है या टारगेट टिश्यू जहां पे इंसुलिन ने जाना होता है उसके सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इंसुलिन कहां पैदा होता है, कहां प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। पेंक्रियाज के बीटा सेल्स या आइसलेट्स ऑफ लैंग्रेंस में इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं और ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ये इंसुलिन फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हो जाते हैं। इंसुलिन कैसे काम करते हैं? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक ताले के लिए इन चाबी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से सेल्स में ग्लूकोज के चैनल ओपन करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इस डायग्राम में एक इंसुलिन के रिसेप्टर है और दूसरा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट चैनल है। इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर पे अटैच होगा तो ग्लूकोज के चैनल ओपन होंगे और सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और ब्लड के शुगर कम होता जाएगा। साइंस और सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया वो कंडीशन है जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। फिर है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया वो कंडीशन है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा भूख लगता है। और तीसरा है पॉलीयूरिया, जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। इसी के साथ साथ हम मज़ीद साइंस सिम्टम्स पढ़ेंगे, वो है ब्लरी विजन। इंसान को सब कुछ धुंधला नज़र आएगा, इंसान को सब चीज़ें धुंधले नज़र आने लगेंगे और ज़ख्म जल्दी नहीं भर पाता। इसका मतलब ये है कि डिले वूंड हीलिंग हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग का मतलब ये है कि इंसान एकदम से खुश और अचानक से नाराज़ होता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे मरीज़ को लिथार्जी और मलेज या थकावट होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं तो दो टाइप्स के डायबिटीज मेलाइटिस हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस यानी IDDMB कहते हैं और टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस को हम NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। की बात करते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कह सकते हैं। इस कंडीशन में टाइप वन के पेशेंट में
पेंक्रियास के बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जब वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाते, और इसका मेन वजह ऑटो इम्यून डिजीज़, इन्फेक्शस डिजीज़ या ट्रामा वगैरह हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस या इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये वो कंडीशन है जिसमें इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है लेकिन इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी सेल्स में नहीं रहती, सेल्स एम्पेयर्ड हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, और इंसुलिन से भी सेल्स के ग्लूकोज के चैनल ओपन नहीं हो पाते। इसीलिए हमें इस पेशेंट में इंसुलिन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम अक्सर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे रखते हैं। यहाँ पे हम 3 कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास एक हेल्दी पेंक्रियाज और हेल्दी सेल्स जिसमें ग्लूकोज अंदर जा सकता है। ब्लू कलर का ये डॉट आप देख रहे हैं, ग्लूकोज ये अंदर जा सकता है। दूसरा वो कंडीशन जो टाइप 1 में है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो हमारे पास सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। तीसरा वो कंडीशन है जिसमें इंसुलिन के रिसेप्टर ख़राब है, तो इसी वजह से ग्लूकोज के चैनल ओपन नहीं हो पाता और ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। टाइप 1 और टाइप 2 में हम कंपैरिजन करते हैं, तो टाइप 1 में इंसुलिन डिफिशेंसी होते हैं, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होता है, एज ऑफ आंसेट जो है वो 40 साल से कम उम्र के लोगों में होगा, बॉडी वेट इसमें लो होगा, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ कीटोएसिडोसिस मतलब बॉडी में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगे, ट्रीटमेंट जो है इसका इंसुलिन से किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को हम कह सकते हैं कि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस होता है, बॉडी वेट जो है वो बहुत हाई होगा, पेशेंट ओबेस होगा अक्सर, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोलर कॉमा, इसका मतलब ये है कि हाइपर ऑस्मोलरिटी होती है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, केटोनूरिया केटोन बॉडीज जो है वो यूरिया में एब्सेंट होगी, और ट्रीटमेंट जो है हम इसका हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो डायबिटीज टाइप 1 के मैनेजमेंट हम इंसुलिन से करते हैं और टाइप 2 के ट्रीटमेंट हम हाइपोग्लाइसेमिक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में हम जेनेरिक नाम से पहचानते हैं, मार्केट में अवेलेबल जेनेरिक नेम्स से ग्लिफिजाइड, ज़िलेम्पराइड, मेटफॉर्मिन, सिटाग्लिप्टिन एंड वेल्डाग्लिप्टिन के नाम से आते हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ टेबलेट फॉर्म में आते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं होते। टाइप्स ऑफ इंसुलिन की बात करते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो कि 15 मिनट में ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो 30 मिनट्स में ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते अपना काम शुरू कर देता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है हमारे पास ब्लड में तकरीबन 10 से 12 घंटे तक होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 24 घंटे तक ब्लड स्ट्रीम में रह सकते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो We will discuss about the complications of diabetes mellitus, such as neuropathy, nephropathy, and retinopathy. Also, some terminologies such as hyperglycemia, hypoglycemia, ketoacidosis, ketonuria, and most importantly, nursing management of diabetes mellitus and root causes of diabetes mellitus. Ask your question and comment section. If you are enjoying this video, so please do like, comment and subscribe our channel
JR Edutainment and share it to your colleagues. Thanks for watching.